साथियों, आज मैं आपको एक और टास्क भी देना चाहता हूं। ये टास्क आपके अपने पूरे कैरियर भर करते रहना चाहिए, एक प्रकार से उसको आपके जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए, आदत बना देना चाहिए। और मैं संस्कार की मेरी सीधी सीधी परिभाषा यही है कि प्रयत्न पूर्वक विकसित की गई अच्छी आदत, इसका मतलब है संस्कार। आप जहां भी काम करें, जिस भी जिले में काम करें, आप मन में तय करिए कि इस जिले में इतनी सारी मुसीबतें हैं, इतनी कठिनाई हैं, जहां पहुंचना चाहिए नहीं पहुंचना था, तो आपका एनालिसिस होगा। आपके मन में यह भी आएगा, पुराने लोगों ने पता नहीं ये क्यों नहीं किया, ये नहीं किया, सब होगा। क्या आप खुद उस क्षेत्र में, जो भी आपको कार्य क्षेत्र मिले, छोटा हो या बड़ा हो, आप ये तय कर सकते हैं कि जो 5 चैलेंजेज हैं मैं उसको आइडेंटिफाई करूंगा, और ऐसी चुनौतियां जो उस क्षेत्र के लोगों को जीवन को मुश्किल बनाती है, उनके विकास में बाधा बनकर खड़ी है, लोकल लेवल पर आपके द्वारा इनका आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। और ये जरूरी क्यों है ये भी मैं बताता हूं। जैसे हम सरकार में आए तो हमने भी ऐसे कई सारे चैलेंजेस को आइडेंटिफाई किया था। एक बार चैलेंजेस आइडेंटिफाई हो गए तो फिर हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़े। अब जैसे आजादी के इतने साल हो गए, क्या गरीबों को पक्का घर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, एक चैलेंज थी, हमने उस चैलेंज को उठाया, हमने उन्हें पक्के घर देने की ठानी और पीएम आवास योजना तेज गति से विस्तार कर दिया गया। देश में ऐसे अनेक जिले बहुत बड़ा चैलेंज थे जो विकास के दौर में दशकों पीछे थे। एक राज्य है काफी आगे है लेकिन 2 जिले बहुत पीछे हैं, एक जिला बहुत आगे है लेकिन 2 ब्लॉक बहुत पीछे हैं। हमने नेशन के रूप में, भारत के रूप में एक विचार किया कि ऐसे जिलों को भी चिन्हित किया जाए और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक अभियान चलाया जाए और उनको राज्य की एवरेज के बराबर लाया जाए, हो सके तो नेशनल एवरेज तक तो ले जाया जाए। इसी तरह एक चैलेंज था गरीबों को बिजली कनेक्शन का, गैस कनेक्शन का। हमने सौभाग्य योजना शुरू की, उज्ज्वला योजना चलाकर उन्हें मुफ्त गैस कनेक्शन दिया। आजादी के बाद भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है जब किसी सरकार ने योजनाओं को सैचुरेशन की तरफ ले जाने की एक प्रकार से बात कही और उसके लिए योजना बनाई है। और इस परिप्रेक्ष्य में आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे यहां अलग अलग विभागों में तालमेल की कमी की वजह से परियोजनाएं बरसों बरस अटकती रहती थी। यह भी हमने देखा है कि आज सड़क बनी तो कल टेलीफोन वाले आकर उसे खोद गए, परसों नाली बनाने वालों ने उसमें खोद दिया। कोऑर्डिनेशन के कमी के कारण इस चैलेंज को ठीक करने के लिए हमने पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाया है। सभी सरकारी विभागों को, सभी राज्यों को, सभी स्थानीय निकायों को, इस स्टेक होल्डर, हर स्टेक होल्डर को एडवांस में जानकारी हो, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। यानी जब आप चैलेंज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो सॉल्यूशन खोजकर उस पर काम करना भी आसान हो जाता है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप भी ऐसी 5, 7, 10 जो भी आपको ठीक लगे, ऐसी कौन सी चैलेंजेज है जो उस क्षेत्र के लोगों के लिए, अगर वो मुक्ति बन जाए उस मुसीबतों से तो एक आनंद की लहर छा जाएगी, सरकार के प्रति विश्वास बढ़ जाएगा, आपके प्रति आदर बढ़ जाएगा, और मन में तय किए मेरे कार्यकाल में मैं इस क्षेत्र को इस समस्या से मुक्त करके रहूंगा। और आपने सुना होगा हमारे यहां छात्रों में स्वांतः सुखाय की बात कही गई है। कभी कभी जीवन में अनेक काम करने के बाद भी जितना आनंद नहीं मिलता है, एकाध काम खुद ने तय किया और किया जिसमें स्वतः को सुख मिलता है, आनंद मिलता है,
उमंग से भर जाते हैं, कभी थकान नहीं लगती, ऐसा स्वांत सुखाय, इसकी अनुभूति जब एक चैलेंज, दो चैलेंज, पांच चैलेंज उठा करके उसको पूरी तरह निर्मूल कर देंगे, आपकी पूरी रिसोर्सेज का उपयोग करते हुए, आपके अनुभव का उपयोग करते हुए, आपके टैलेंट का उपयोग करते हुए, आप देखिए जीवन संतोष से जो आगे बढ़ता है ना, उस चैलेंज के बाद के समाधान से जो संतोष की तीव्रता होती है वो कई गुना सामर्थ्यवान होती है। आपके कार्य भी ऐसे होने चाहिए जो मन को सुकून पहुंचाए, और जब उसका लाभार्थी आपको मिले तो लगे हाँ ये साफ थे ना तो मेरा अच्छा काम हो गया। आपको इस क्षेत्र के छोड़ने के 20 साल के बाद भी वहां के लोग याद करें, अरे भाई वो एक साहब आए थे ना अपने इलाके में, ये एक बहुत पुरानी समस्या का समाधान करके गए, बहुत अच्छा काम करके गए। मैं चाहूंगा आप भी ऐसे विषय खोजिएगा जिसमें आप एक क्वालिटेटिव चेंज ला पाए। इसके लिए आपको इंटरनेशनल स्टडीज खंगालनी पड़े तो भी करिएगा, कानून का अध्ययन करना पड़े तो वो करिएगा, टेक्नोलॉजी की मदद लेनी भी पड़ी तो वो भी करिए, उसमें भी पीछे मत आइए। आप सोचिए आप सैकड़ों लोगों की शक्ति देश के अलग अलग जिलों में एक साथ लगेगी, आप 300-400 लोग हैं, यानी देश के आधे जिलों में कहीं न कहीं आपके पैर पड़ने वाले हैं, मतलब आधे हिंदुस्तान में आप एक नई आशा को जन्म दे सकते हैं मिलकर के। कितना बड़ा बदलाव आएगा, आप अकेले नहीं हैं, 400 जिलों में आपकी ये सोच, आपका ये प्रयास, आपका ये कदम, आपका एक इनिशिएटिव आधे हिंदुस्तान पे प्रभावित कर सकता है।